हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बिहार बोर्ड के नंबर वन चैनल सुमन स्टडी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के मॉडल सेट को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग कितने मॉडल सेट कवर कर चुके हैं और सेट हम लोग 2 कवर करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्या कहता है। हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। इन चार ऑप्शन में इसका राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। हम लोग की स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है, इसका राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि त्रिभुजाकार केंद्र है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, चलिए इसका राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि R.D. बनर्जी। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, इसका राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिंधु नदी के किनारे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लोथल किस राज्य में अवस्थित हैं, तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कालीबंगा किस राज्य में अवस्थित हैं। कालीबंगा किस राज्य में अवस्थित है, इसका राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है, सिंधु सभ्यता में बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले, इसका राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी लोथल से। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। सिंधु सभ्यता में नृत्यरत कांसे की नर्तक की कहाँ से मिली है। ठीक, इसका राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी मोहनजोदड़ो से। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्राचीनतम ज्ञान का अभिलेख कौन सा है। भारत का प्राचीनतम ज्ञान अभिलेख कौन सा है, इसका राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन उसकी ओर बढ़ते हैं हम लोग। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मेगास्थित किसका राजपूत था। मेगास्थित किसका राजपूत था, तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शैल्यकुश। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन क्या, भारत में सर्वप्रथम किस शासक द्वारा अभिलेख जारी किया गया था। इसका राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अशोक के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, इसका राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या कहता, अशोक के पिता का नाम क्या था। अशोक के पिता का नाम क्या था, इसका राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता, किस शासक को 99 भाइयों की हत्या के कारण चंडाशोक भी कहा गया, इसका राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अशोक। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या था, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया, इसका राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 15वें शिलालेख। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 16 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि चीनी यात्री फ्रहान किसके शासक काल में आया था। इसका राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से मिला, इसका राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, बाणभट्ट किस शासक के दरबारी थे। इसका राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन के। ठीक, अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर क्या कहता है, गुप्त संवत किसने और कब शुरू किया था। चलिए इसका राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम, यानी कि 1919 से 1920 ईस्वी में शुरू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, पंचतंत्र
यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। पंचतंत्र की रचना किसने की थी, पंचतंत्र की रचना किसने की थी, इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विष्णु शर्मा में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापक शासक कौन था। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापक शासक कौन था, तो इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों। इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कुमार गुप्त में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन, भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किसे कहा गया, स्वर्णकाल किसे कहा गया, इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या कहता है, रामायण की रचना किसने की थी, रामायण की रचना किसने की थी, इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को पता भी है कि रामायण का रचना किसने की थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाल्मीकि ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, गांडीव क्या था, गांडीव क्या था, इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अर्जुन का धनुष, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, अभिमन्यु के पिता का नाम क्या था, अभिमन्यु के पिता का नाम क्या था, इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों। इसका आंसर क्या है, अर्जुन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग फास्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे, कौन ज़्यादा है, तो पांडवों के नए राज्य की राजधानी कहाँ थी, पांडवों के नए राज्य की राजधानी कहाँ थी, इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इंद्रप्रस्थ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है, कौरव और पांडव राजकुमार के गुप्त कौन, गुरु कौन थे, गुरु कौन थे, इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों। इसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी, द्रोणाचार्य। अगला क्वेश्चन की ओर, गीता में क्या उपदेश दिया गया, गीता में क्या उपदेश दिया गया था, इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे, इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बी, ठीक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या था, प्राचीनतम वैद्य कौन सा है, प्राचीनतम वैद्य कौन सा है, इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी ऋग्वेद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, किस वेद में जादू टोना एवं इलाज का वर्णन है, किस वेद में जादू टोना एवं इलाज का वर्णन है, इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी अर्थवेद, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, आप कहता है स्क्रीन पे आ चुका है, आपका स्क्रीन पे आ चुका है 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस वेद में संगीत की शुरुआत मानी जाती है, किस वेद में संगीत की शुरुआत मानी जाती है, इसका आंसर की बात करें दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी सामवेद में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था की जानकारी कहाँ से मिली है, सर्वप्रथम वर्ण की व्यवस्था की जानकारी कहाँ से मिली है, इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों। इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुरुष सूक्त के, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है 35 नंबर, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, मंडलों की संख्या कितनी है, इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों। इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10, ठीक है। कितना है, ऋग्वेद की संख्या कितना है, 10। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए अकबर द्वारा बुराजस्व व्यवस्था में कौन सा व्यवस्था चलाया गया, इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दहशाला, ठीक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्या कहता है 37 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है स्क्रीन पे आ चुका आपका, भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत किसने की थी, इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी पुर्तगालियों ने, ठीक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 38 नंबर, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया था, इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों। इसका आंसर किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक, अकबर ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किस मुगल बादशाह ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था, यानी कि क्या लगाया था, रोग लगाया था, तो इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जहांगीर ने, ठीक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, कुतुब मीनार का निर्माण किसके काल में शुरू हुआ
कुतुब मीनार का निर्माण किसके काल में शुरू हुआ था? इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आपके स्क्रीन पे आ चुका, अकबर का संरक्षक कौन था। इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका आंसर किया जाए ऑप्शन नंबर ए यानी कि बैरम खाने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या कहता है, हुमायूं नामा किसने लिखी थी। इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुलबदन बेगम ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 43 नंबर क्या कहता है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। इसका आंसर की बात करें दोस्तों, इसका आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1576 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान दीजिएगा, तानसेन का मकबरा कहाँ है। इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन डी, इसका आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या कहता है, 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान दीजिएगा, मुगल काली चित्रकला का चरमोत्कर्ष काल कौन सा था? इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जहांगीर। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति लागू किया था। इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इक्तादारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका आंसर किया जाएगा 48 का आंसर किया जाएगा इसका सी यानी कि टिक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या कहता है, ऑप्शन नंबर 49 नंबर क्या कहता है, संजीदा एवं पाइबोस किसने शुरू किया था यानी कि चालू किया था। इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोह एवं रक्त की नीति की शुरुआत यानी कि लोह एवं रक्त की नीति की शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, बलबन ने। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, बाबर ने किस वर्ष मुगल सत्ता की नींव रखी थी। इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1526 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था यानी कि घोड़े का व्यापारी करता था? तो इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि ए और बी यानी कि दोनों हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है यानी कि इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक, हम्पी में। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है, निजामुद्दीन ओलिया किस सुल्तान के समकालीन थे। इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, वीर सैव लियांत आंदोलन के जनक कौन थे। इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या है, सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा था, ना मैं काबा में हूँ और ना कैलाश में, भगवान हरेक सांस किस सांस में है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा था, किसने कहा था, कौन कहा था कि ना मैं काबा में हूँ या ना मैं कैलाश में हूँ, भगवान हरेक सांस की सांस में होती है। भगवान क्या होते हैं, ईश्वर जो होते हैं, हरेक के मन में होते, ना ही वह कैलाश में है ना ही वह कहाँ पे है, काबा में। तो इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों, कौन कहा था, ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 55 नंबर आंसर, चैतन्य। ठीक है, चैतन्य यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सुल्तानों का, सूरदास, बैजू, बाबरा तथा रामदास किसने किसके किसने
किसके काल में थे, तो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन गलती लिखाया गया है, किसने या किसके काल में हुए थे। इसका राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी कि अकबर में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखिए यानी कि 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सूरदास, बैजू, बाबरा तथा रामदास किसके काल में हुआ था, इसको देख लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, और ए नंबर। तो रोशनिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, इसका राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है क्या कहता है 59 नंबर क्वेश्चन। बंगाल में कीर्तनी के माध्यम में ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम किसने शुरू किया था, किसने शुरू किया था यानी कि चालू किया था, इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, चैतन्य। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कृष्ण को किस संत ने अपना पति माना था, कृष्ण को किस संत ने अपना पति माना था, इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, मीराबाई ने। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। फ्रांसवी बर्नियर किस देश का रहने वाला था, फ्रांसीय बर्नियर किस देश के रहने वाले थे, इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रांस के। ठीक है, बर्नियर को पेशा क्या था, इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर डी प्रयुक्त सभी थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, 63 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बर्नियर किसके दरबार में भारत आया था, इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, शाहजहाँ के दरबार में। तो देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखिए क्या 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ट्रेवसेलिए इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत है, इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि बर्नियर में। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्या कहता है, रेहाला नामक पुस्तक किसने लिखी थी, इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, 66 नंबर क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने अपने पिता को बंदी बनाया था, इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखिए क्या कहता है 67 नंबर क्वेश्चन, दारा सिकोह किसका पुत्र था, इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शाहजहां ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था, इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखिए क्या कहता है यानी कि 69 नंबर, घुमक्कर सात पुस्तक के लेखक कौन थे। ठीक, इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राहुल सांस्कृतियान। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखिए क्या कहता है 70 नंबर क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री को हीरो की खानों में रुचि थी, यानी कि हीरा की जो खान था उसका, किस विदेशी यात्री जो को हीरो के खानों में रुचि थी, इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे हम लोग क्या कहता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन था, यानी कि जमीन का जो मालिक थे वह कौन थे, इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसान। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे, इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली ने। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करेंगे, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1600 ईस्वी में। बंगाल में दैध शासक प्रणाली किसने लागू किया था, इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि कावी
क्लाइव। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री जो की थी वह कहाँ स्थापित की थी? इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या जाए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूरत में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं क्या कहता है। 76 क्वेश्चन नंबर, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर यानी कि 1757 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, 77 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेज फैक्ट्री का अर्थ क्या था? इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, गोदाम। चलिए फ्रांसीसी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रांसीसी बुकान कौन था? इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देते हैं। किसी राज्य को कुप्रकाशन के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था, यानी इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, स्वेज नहर व्यापार के लिए कब खोला गया था, इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 1869 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है। 1857 के विद्रोही ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था, इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। 82 किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखिए 84 नंबर क्वेश्चन। बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसका आंसर की बात करें दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1829 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 85 देते हैं। ब्लैक होल की घटना किसकी देन थी, इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी, हॉलवेल में। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन, भारत का सरताज किसे कहा गया था, इसका आंसर की बात करें दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बम्बई में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी को चंपारण लाने का श्रेय किसे हैं, इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, राजकुमार शुल्क को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन कौन था, इसका आंसर की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर चंपारण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 79 नंबर देखते हैं हम लोग, क्या कहता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, आप लोगों को पता है तब पर भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, इसका आंसर की बात करें 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, अठारह सौ सत्तावन के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, इसका आंसर की बात करें दोस्तों, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नमक आंदोलन की शुरुआत किस तिथि में हुई थी, इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग, 92 क्वेश्चन, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को किस दिन
फांसी दी गई थी, इन तीनों को किस दिन फांसी की दी गई थी, इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी यानी 23 मार्च 1931 तीनों को जो फांसी दिया गया था किस दिन दिया गया था, 23 मार्च 1931 को। चलिए आप लोग को मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ चुका है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1920 ईस्वी यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन के खलीफा कौन थे, इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर मुस्लिम धर्मगुरु ने यानी कि ऑप्शन नंबर ए। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था, इसका आंसर की बात करें दोस्तों। इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि ए, 1932 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, क्या कहता है आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता, आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है, इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों। इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी राम मोहन राय ने। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 99 क्वेश्चन की गौर करते हैं, 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था, इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, प्रथम भारत गवर्नर जनरल कौन थे, इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों। इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि माउंटबेटन ने। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को 100 क्वेश्चन कवर कर चुका और समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए मैं आप लोग को आपको फ्री में PDF दिए दे फ्री में PDF सजेस्ट किए हुए क्वेश्चन है, तो आप लोग फ्री में PDF लेना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 7462017013। तो इसका आप लोग नोट भी कर सकते हैं इस नंबर को, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो फिर मिलते हैं अगले।